ए रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ सन्या खबरें च तुंदा स्वागत ऐ। पैहले मुक्ख खबरें कन्नै मैं विजय बजाज। सरकार ने आखेआ जे जम्मू कश्मीर भारत दा अंदरूनी हिस्सा ऐ ते संसद गी रिआसत बारै कोई भी कानून बनाने दा पूरा अख्तियार ऐ। गृहमंत्री अमित शाह होरें दफा 370 तैह्त जम्मू कश्मीर गी हासल विशेष दर्जे गी मकाने लेई प्रस्ताव लोकसभा च पेश कीता। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पर बहस ते इसी पारित करोआने लेई लैता गेआ। उत्तरी कमान दे फौजी कमांडर होरें कुसै बी स्थिति कन्नै निब्बड़ने लेई कार्रवाई आह्ली तैयारिएं दा जायजा लेआ ते पाकिस्तान ने रजौरी जिले च कब्जा रेखा उप्पर संघर्ष विराम दी इक बारी परतियै खलाफवर्जी कीती। उन खबरें दी तफसील कन्नै चंद्रकांत शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह होरें अज्ज लोकसभा च जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पेश कीता। इस बिल गी पेश करदे होई गृहमंत्री होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर भारत दा अंदरूनी हिस्सा ऐ ते इस करियै भारत दी संसद ओह्दे उप्पर कोई कानून बनाने दा पूरा अख्तियार रखदी ऐ। इस बारे च नियमें दी खलाफवर्जी कीते जाने सरबंधी कांग्रेस आसेआ लाए गेदे आरोपें दा परता दिंदे होई गृहमंत्री होरें आखेआ जे कांग्रेस गी इस चाल्ली दे आरोप लाना बंद करदे होई इस बारे अपने रौंग गी साफ करने दी मती लोड़ ऐ। उनें इस बारे नियम कायदें दी बी जानकारी लोकसभा गी दित्ती। किश मिम्बरें दे सोआलें दा परता दिंदे होई उनें साफ कीता जे जिसलै बी ओह जम्मू कश्मीर दी गल्ल करदे न तां एह्दे च पाकिस्तान दे नजायज कब्जे आला कश्मीर ते अक्साई चिन्ह दा इलाका बी आउंदा ऐ। उनें आखेआ जे ओह जम्मू कश्मीर लेई अपनी जान भी देई सकदे न। दुई तरतीम सरबंधी जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2019 गी भी लोकसभा च पेश कीता गेआ। इस बिल तैह्त माली तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग गी नौकरियें पढ़ाई लिखाई च 10% आरक्षण देने दा प्रावधान ऐ। जम्मू कश्मीर शा दफा 370 ते 35 हटाने बारे प्रस्ताव ते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 गी कल राज्यसभा च पारित करी दित्ता गेआ हा। प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें आखेआ ऐ जे दफा 370 हटाने कन्नै कश्मीर दे लोकें गी मता फायदा होग। उनें आखेआ आम इंसान भी इससे संतुष्ट है। जिस प्रकार के अनेकों अवसर कश्मीर की जनता को मिलने वाले हैं इस विधेयक के बाद, मुझे लगता है कि अद्भुत है। उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। और देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के जिस प्रकार से कश्मीर के युवा आकांक्षी हैं, तीसरी पीढ़ी है कश्मीर की, 1990 की पीढ़ी, वो तो आगे बढ़ना चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह होरें जम्मू कश्मीर शा दफा 370 हटाने ते रियासत दे पुनर्गठन लेई प्रस्ताव ते बिल कल राज्यसभा च पेश कीते हे। उनें आखेआ जे दफा 370 ने जम्मू कश्मीर गी भारत च भलेआं रलाने च अड़चना पैदा कीतियां न। श्री शाह होरें आखेआ जे धारा 370 गी हटाए जाने मगरा जम्मू कश्मीर च निजी तौर उप्पर राजपूंजी लाए जाने ते भित्त खुल्ली गे न। एह्दे कन्नै उत्थें तरक्की बाद्दे दियां होर मतियां मतियां संभावना बनी जांगन जेह्दे कन्नै मुकामी अर्थव्यवस्था गी फायदा होग। 1999 शा 2018 तोड़ी अपनी जिंदू दा बलिदान करने आले नागरिकें ते जवानें दी शहादत गी चेता करदे होई उनें आखेआ जेकर धारा 370 नेईं लाई गेदी होंदी तां इनें लोकें गी अपनी जान नेईं हमवानी पौंदी। कश्मीरी नौजवानें बारे गृहमंत्री होरें आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर दे नौजवानें गी गले लाना चाहंदी ऐ ते उनेंगी रोजगार दे मते शा मते मौके देने दी ख्वाहिश रखदी ऐ। वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा। वहाँ टूरिस्ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए 370 का ऑब्स्टेकल निकालना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल होरें अज्ज राजभवन श्रीनगर च राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुंदे कन्नै मलाटी कीती। गवर्नर ते डोभाल होरें जम्मू कश्मीर च इसलै बने दे अंदरूनी ते बाहरले सुरक्षा हालात बारै तफसीली चर्चा कीती। आम लोकें दी सुरक्षा यकीनी बनाने दी जरूरत उप्पर जोर पांदे होई उनें आखेआ जे बक्ख बक्ख मैह्कमें बश्कार तालमेल बनाया जा। ध्यानजोग ऐ जे डोभाल होरें पिछले हफ्ते बी कश्मीर दा दौरा लाया हा। जम्मू कश्मीर च इसलै बने दे हालात दी पछोकड़ च उत्तरी कमान दे जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह होरें अज्ज श्रीनगर च खुफिया ते सुरक्षा एजेंसिएं दे कोर ग्रुप दी बैठक लोआइयै कुसै बी चाल्ली दे हालात कन्नै निबड़ने लेई कार्रवाई आली तैयारिएं दी समीक्षा कीती। उनें आखेआ जे रियासत च रमानदारी बनाई रखने लेई हर चाल्ली दे जरूरी इंतजाम कीते गेदे न। उनें दस्सेआ जे हाल दे दिनें दौरान पाकिस्तान ने कब्जा रेखा दे कन्नै लगदे इलाकें च लांचिंग पैड उप्पर आतंकवादिएं दिएं सरगर्मिएं च बाधा करी दित्ता ऐ। एह्दे अलावा संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी ते घुसपैठ दिएं कोशिशें च भी बाधा होआ ऐ। उआं उनें जोर देइयै आखेआ जे भारतीय फौज भी पाकिस्तान आसेआ कीती जाने आली कुसै भी नापाक हरकत दा सख्ती कन्नै परता देआ'रदी ऐ। उनें आम लोकें गी भी अपील कीती जे ओह दुश्मन दे दुष्प्रचार ते कुसै भी चाल्ली दी अफवाहें उप्पर ध्यान नेईं देन ते इस चाल्ली अफवाहें दा हिस्सा नेईं बनन। रियासत च रमानदारी ते आपसी संबोध गी जोफ पजाने आले अनासरें गी चेतावनी दिंदे होई उनें भरोसा जताया जे इस चाल्ली दे अनासरें कन्नै पूरी सख्ती कन्नै निबड़ेआ जाग। साबका सेना अध्यक्ष बीपी मलिक होरें अज्ज आखेआ जे भारत गी ना छड़ा कूटनीतिक तौर उप्पर सगुआं जमीनी सतह पर भी पूरी चाल्ली तैयार रौह्ने दी मती लोड़ ऐ की जे जम्मू कश्मीर शा धारा 370 ते 35 हटाए जाने दे मगरा
हून पाकिस्तान चुप बौहने आला नहीं ऐ। भारत दी राष्ट्रीय सुरक्षा बारे नमीं दिल्ली च इक सैमीनार दे बारे मलिक होरें आखेआ जे सरकार दा फैसला दलेरी आला ते ठीक ऐ ते देश दे हिते च बी ऐ। मलिक होर कारगिल दी जंग दौरान सेना अध्यक्ष हे। उनें आखेआ जे मौजूदा समें च इयां बझोंदा ऐ जे दो इलाकाई पार्टियां कश्मीरियें ते बाकी देश बश्कार बित्त बरात दियां न ते इस चाली दी गैंह दी इस करी मती जरूरत ही। जम्मू कश्मीर दे त्रौनें खित्तें च हालात पूरी चाली आम ध्याड़े आह्ले लेखा बने दे न। बड़ी मती सुरक्षा ते किश पाबंदियें दे बावजूद अजे तोड़ी कुसा भी बक्खी दा कोई माड़ी घटना दी कोई जानकारी नहीं थ्होई ऐ। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह हुंदे मुताबिक दफा 370 हटाने ते रियासत गी दौं केंद्री राज प्रबंधन आह्ले इलाकें च बंडने दे मगरा हालात रमानदारी आह्ले बने दे न। उआं जम्मू प्रांता च अज्ज उपरोतली दुए रोज भी किश बंदिशां जारी रहियां ते सब्बे शिक्षा इदारे दकानां ते होर दुए कारोबारी कामकाज बंद रेह। एहतियात दे तौर पर सार्वजनिक यातायात सिड़कें पर नेईं चलेआ। उआं निजी वाहन रमानदारी कन्नै सिड़कां पर चलदे दिक्खे गे। सुरक्षाबलें लगातार चौकसी बनाई रखी दी ऐ। ताईं आकाशवाणी जम्मू ने दफा 370 हटाने बारे किश लोकें दी प्रतिक्रिया पुच्छी तां उनें आखेआ, कश्मीर इसे एक इतिहास में देश के परिवर्तन के रूप में देखता है और मैं मानता हूं कि आज देश का पुनर्जन्म हुआ है पॉलिटिकली सेंस में। ये 70 साल पहले हो चुका होना चाहिए था। धारा 370 35A को हटा के और यहां पे स्टेट का पुनर्गठन करके उन्होंने एक पैराडाइम को चेंज किया। उत्तरी सीमा पे जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से षड्यंत्र हो रहे थे उसका निराकरण करने के लिए एक नए दौर का उदय हुआ है। आज टोटल इंटीग्रेशन हो गई है हमारे स्टेट की विद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एक बात। दूसरी बात, एक जो ड्रकोनियन क्रिमिनल एक्सप्लॉइटिव लॉ था ये 370 था, इसका जो खात्मा कर दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्र के साथ जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई हम उसको नमन करते हैं। एक खबर तो रेडियो कश्मीर जम्मू थमां सुना दियो ते उन बाकी दी खबरें कने विजय बजाज। 1947 दे पच्छमी पाकिस्तान दे रिफ्यूजी जेड़े सांबा जिले च रवा'रदे न उनें जम्मू कश्मीर चा दफा 370 हटाए जाने दा मता सोआगत कीता ऐ की जे एह लोक पिछले 70 बरें शा स्थाई नागरिकता दे अपने अधिकारें लेई संघर्ष करा'रदे न। विधानसभा ते पंचायती चुनाएं च भी उनेंगी उंदे वोट पाने दे अधिकारें शा परे रखेआ गेआ हा। पच्छमी पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी 1947 दे प्रधान लब्बा राम गांधी होरें आखेआ जे 30 बरें मगरा उनेंगी उंदी लड़ाई च जित्त थ्होई ऐ। मैं लब्बा राम गांधी, प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी 1947। पिछले 71 सालों से जब ये देश का बंटवारा हुआ और जहां जम्मू में आए हमारे जो बुजुर्ग थे, तब से लेकर आज तक हमारे जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे इस धारा 370 ने छीन के रखे थे। ये कल का जो ऐतिहासिक फैसला आया ये बहुत ही एक मुबारक योग्य था कि हमें इतनी देर के बाद जहां आजादी मिली और हम तो बहुत खुश हैं। कठुआ दी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने प्रधान मनोहर लाल ते चेयरमैन ज्ञान सिंह पठानिया हुंदी प्रधानता च जम्मू कश्मीर शा दफा 370 ते 35A हटाए जाने दा मता सोआगत कीता ऐ। उनें आखेआ जे इक देश ते इक झंडे कन्नै हुन जम्मू कश्मीर पूरी चाली भारत कन्नै रली गेआ ऐ। ताईं रियासी जिले दे लोकें भी सरकार आसेआ जम्मू कश्मीर शा दफा 370 ते 35A हटाए जाने दा मता सोआगत कीता ऐ। 35 जो टूटा है, जो बैकवर्ड एरिए थे इनकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये अब सेंटर के हाथ में आ गया है। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं तो जी हम आशाएं लगाकर बैठे तो जरूर थे, लेकिन सोचने ये नहीं आता था कि हमारे प्रधानमंत्री को इस किस्म का यूनिक स्टेप लेंगे। तो जब कल ये पता चला तो हमारे पूरे एक्सरसमेंट में तो इतनी लहर आ गई। बीजेपी दे सीनियर लीडर अरुण जेटली होरें अज्ज आखेआ जे कश्मीर मुद्दे बारे अपने साफ नजरिए ते पक्के इरादे कन्नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इतिहास रची दित्ता ऐ। उनें आखेआ जे पार्टी दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुंदी विचारधारा बारे नजरिया सही साबत होआ ऐ ते जवाहर लाल नेहरू हुंदा नाकाम। एह गल्ल उनें अपने ब्लाग च लिखी ऐ। गृहमंत्री अमित शाह होरें अज्ज लोकसभा गी जानकारी दित्ती जे साबका मुक्खमंत्री फारूक अब्दुल्ला ना ते गिरफ्तार न ते ना गै नजरबंद न, ओह अपनी मर्जी कन्नै अपने घरै च न। एनसीपी दी सुप्रिया सुले हुंदी आसेआ एह मुद्दा पुट्टे जाने पर शाह होरें एह प्रतिक्रिया दित्ती। पाकिस्तान ने राजौरी जिले च कब्जा रेखा कन्नै लगदे ग्राएं ते भारत दिएं अगेत्री चौकिएं गी निशाना बनांदे होई अज्ज इक बारी परतियै बिजन उकसावे दे गोलीबारी कीती। रक्षा प्रवक्ता ने जानकारी दित्ती जे संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी करदे होई पाकिस्तान ने दिनें कोई 12:40 पर गोलीबारी शुरू करी दित्ती, जेदा भारती जवानें बी जोरदार तरीके कन्नै परता दित्ता। दौनें बक्खी दा गोलीबारी दिनें 2:30 तक्कर चलदी रही। पिछले 4 दिनें दौरान पाकिस्तान ने 2 बारी संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी कीती है। जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड आसेआ जारी कीती गेदी इक अधिसूचना मताबक सब्भनें सरबंधत जनें गी सूचित कीता जंदा ऐ जे बोर्ड आसेआ लैते जा'रदे जम्मू दी सोहे आली जोन दे द्विवार्षिक 10वीं जमात यानी सैकेंडरी स्कूली इम्तिहानें दे तैह्त कल लैते जाने आले व्यवसायिक विशें दे इम्तिहान गी फिलहाल अगड़ा पाई दित्ता गेआ ऐ। बोर्ड दा आखना ऐ जे इस इम्तिहान बारे नमिएं तरीखें दा ऐलान मगरा कीता जाग।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या च राम जन्मभूमि बाबरी मसीद जिमी विवाद गी लेइयै सुनवाई अज्ज शुरू करी दित्ती। इस सरबंधै च सब्भनें गी मंजूर कुसै समझौते पर पुज्जने दे जतने दे नाकाम रौह्ने परैंत अदालत ने इयां कीता ऐ। पंजें जजें दी संवैधानिक पीठ नै प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई हुंदी प्रधानता च 2 अगस्त गी सुप्रीम कोर्ट दे साबका जज FMI कलीफुल्ला हुंदी प्रधानता आले 3 मैंबरी मध्यस्थता पैनल दी गल्लै गी मनदे होई इयां कीता ऐ, जेह्दे च आखेआ गेआ हा जे 4 महीने दी कोशिशें दे बावजूद कोई समझौता नेईं होई सकेआ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ ते लाउंस